बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इन प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ये सूची जारी की। उन्होंने बताया कि 19 मार्च और 20 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें सभी राज्यों पर चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। इस लिस्ट के अनुसार गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे। तो वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, गाजियाबाद से वीके सिंह, बागपत से सत्यपाल सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। तो वहीं उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान की 16 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें पार्टी ने झुंझुनू और अजमेर लोकसभा सीट में नए चेहरों को मौका दिया है और साथ ही 14 सीटों पर पार्टी ने पुराने सांसदों पर ही विश्वास बरकरार रखा है। तो वहीं भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है।